आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी फर्स्ट यूनिट जो कि आपकी बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। सिलेबस है ना आपके पास में? हेलो, ठीक है। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें कि क्या आपका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। क्या होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे? इट मीन्स जो आपके क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो सेल्स के अंदर जितनी भी आपके डिफरेंट टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। इतना समझे? यानी कि प्लांट्स में जितनी भी आपकी क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है अंदर, फर्दर अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, किससे, कोई रिएक्टेंट हो गया पहला, दूसरा उससे क्या हो गया आपके अलग अलग इंटरमीडिएट बने, देन आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आया, ठीक है। तो जो भी आपके अंदर सिंथेसिस हो रही है प्लांट सेल्स के अंदर उनको क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। इसमें लिखो द रिएक्शन सीक्वेंस, द रिएक्ट बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, इट मीन्स कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो आपके क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर जो सेल्स होती हैं उनमें जितनी भी आपकी क्या हो रही है डिफरेंट टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होती है जितनी भी आपकी डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है और इस जो आपकी क्या होती है केमिकल रिएक्शंस होती है या फिर सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइक या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। और इसी मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स आपको मिलते हैं जो कि क्या होते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कि फर्दर हम किस में क्या यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें यूज़ करते हैं। तो इनके लिए जो भी आपकी सिंथेसिस प्लांट के अंदर हो रही है उनको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे। इतना समझे? ठीक है। इसमें लिखो द रिएक्शन सीक्वेंस, द हाँ बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज। आप यहाँ पे प्लांट्स के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें लिखो द रिएक्शन सीक्वेंस अकरिंग विद द रिएक्शन सीक्वेंस अकरिंग विद इन द ऑर्गेनिज्म इन इन द ऑर्गेनिज्म इन एन ऑर्डरली एंड ऑर्डरली एंड रेगुलेटेड वे नोन एज मेटाबॉलिक पाथवेज। लिखा इतना, रेगुलेटेड वेज नोन एज मेटाबॉलिक पाथवे। इट मीन्स जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं इनमें क्या होता है, सीरीज ऑफ एंजाइम मेडिएटेड होते हैं या फिर आपके कैटालाइज्ड होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं। इट मीन्स कि अलग अलग कंपोनेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, इन्हीं को आप मेटाबॉलिक पाथवे कहते हो। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट हो, सपोज कर लो आपके पास कोई एक कंपाउंड है ए, ठीक है। फर्दर ये कन्वर्ट हुआ आपका बी में, देन ये कन्वर्ट हुआ सी में, और फिर ये कन्वर्ट हुआ आपका डी में, ठीक है। सपोज कर लो ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और डी आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है।
तो जब हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट कोई आपका क्या प्लांट के अंदर कोई एक रिएक्टेंट है, फर्दर जब क्या कर रहा है वो सिंथेसिस कर रहा है अलग अलग कंपाउंड से, और लास्ट में आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से मिलता है आपको, इंटरमीडिएट की वजह से, ठीक है। इसको आप जो बीच में जो फर्दर आपकी रिएक्शंस हो रही है या फिर जो आपको कंपाउंड्स मिल रहे हैं रिएक्टेंट के बाद में जो कन्वर्ट हो रहे हैं अलग अलग कंपाउंड में, देन आपको बाद में क्या कर रहा है फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है, इनको आप क्या बोलते हो, इंटरमीडिएट कहते हो। और यही आपके क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं। इन्हीं के थ्रू आपको क्या मिलेगा, लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जिसको कि आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट पाथवे। इतना समझे? इट मीन्स जो लिविंग सेल के अंदर कोई कंपाउंड ए है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, अगर उस ए से फर्दर हम क्या करेंगे कोई और कंपाउंड क्या कर रहे हैं बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, ए क्या है, कोई स्पेसिफिक एंजाइम्स आपका, ठीक है, जो क्या हो रहा है कन्वर्ट कर रहा है उसको बी में, यानी कि बी कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है, फर्दर वो सी में कन्वर्ट कर रहा है, देन वो डी में कन्वर्ट कर रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला उस तक पहुंचने के लिए बीच में जो आपके इंटरमीडिएट बने, ठीक है, उन्हीं के थ्रू हमें क्या मिलते हैं, पाथवेज मिलते हैं। वही हमारे क्या करते हैं, कोई सिंथेसिस हमारी हो रही है वो क्या कर रहा है, उसे पाथवे में जो हमारा क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है उसी को हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? कुछ बोल रहे थे? हाँ अंकित बताओ। जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो आपके जो बीच का पोर्शन है, जो आपके इंटरमीडिएट होते हैं, जो कनेक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट को फर्दर फाइनल प्रोडक्ट से, वो आपके मेटाबोलाइट्स होते हैं। वो आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट है, जो आपका क्या है प्राइमरी प्रोडक्ट है। हम क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट में जो सिंथेसिस होती है, ठीक है, वो प्लांट में दो टाइप में कन्वर्ट होती है, एक आपका प्राइमरी मेटाबॉलिक मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। अब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की जो हमारी सिंथेसिस होती है उसके लिए फर्दर एक कंपोनेंट तो चाहिए ही है अंदर, तो फर्दर वो कंपोनेंट्स जो आगे कन्वर्ट कर रहा है इसको, ठीक है, सिंथेसिस में कन्वर्ट कर रहा है, तो उनके लिए जो हम इंटरमीडिएट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप जो एंजाइम्स यूज़ कर रहे हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं, और यही आपके क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं। इंटरमीडिएट जो बन रहे मतलब एंजाइम्स के थ्रू ही तो आपके फर्दर क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे वो किसी और चीज़ में, है ना, फिर वो भी फर्दर किसी और चीज़ से कन्वर्ट होंगी, तो जो प्रोडक्ट्स आपके क्या हो रहे हैं कन्वर्ट हो रहे हैं लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। इट मीन्स कि क्या हो रहा है, जो ए से डी तक पहुंचने के लिए या फिर ए से डी तक क्या हो रहा है, जो आपके कन्वर्ट हो रहे हैं बीच में जो पाथवेज फॉलो हो रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ पाथवे कहते हैं। अब उस पाथवे में क्या हो रहा है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जो इंटरमीडिएट्स आपके बनते हैं जो फॉलो हो रहे हैं उनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। इतनी जो आपका बी या सी है, अगर डी से आके भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है आपका ई एफ बन रहा है, तो लास्ट में तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उसमें आपका डी भी क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। इट मीन्स बी सी डी ई जो भी हैं बीच के इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो आपके मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब आगे लिखो इसमें, द बायोसिंथेसिस इज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज डिपेंड ऑन द highly organized structure of the plants and animal cells। लिखा इतना? अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, सम बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे
some basic metabolic pathways appear to be similar in both plant and animals, whereas others are more restricted in their occurrence. अब बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो प्लांट्स में क्या होते हैं, दो टाइप से होते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मैंने आपको शायद फोर्थ सेम में ही पढ़ाया था ये। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपके होते हैं उनमें फर्स्ट चीज़ तो ये होती है कि ये कोई भी थेरापेटिक एक्टिविटी क्या है शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। दूसरा, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट हो गया या एनर्जी के लिए जो प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी इसमें, उसके लिए क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा जो आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। पर क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की भी सिंथेसिस होती है प्लांट में, भले इसका कोई थेरापेटिक रोल नहीं है पर क्या होगा, फर्दर ये सिंथेसिस तो करता ही करता है। दूसरा आपका आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि क्या करता है, फर्दर थेरापेटिक जो एक्टिविटी शो हो रही है, इट मीन्स कि जिसका जो केमिकल कंपाउंड है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो क्या होता है, एक्टिव होता है किस चीज़ के, थेरापेटिक एक्टिविटी के लिए, उसके लिए भी क्या होता है, सिंथेसिस होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाथवे। मैंने आप लोगों को शायद कुछ इमेजेस भेजी है, उसमें देखो आप लोग, ठीक है। जो आपकी प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उसमें फर्दर जैसे रिएक्शन होगी, ठीक है। सबसे पहले किसकी होती है, आपकी फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सबसे पहले वाला जिसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, CO2 प्लस H2O लिखा है, तीन भेजिए, चार भेजिए, हाँ। तो जो फर्स्ट वाला है आपका, जिसमें प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे लिखा होगा, अगर फोटो में वो नहीं आएगा साथ में, इसमें नीचे से तो ये आया होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O के बाद आपका जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। आप उसमें देख लो, अगर आपको यहाँ से इमेज नहीं दिख रही है तो आप उसमें देखते रहना, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में, है कि नहीं। वो फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O कंबाइंड होता है, इट मीन्स कि जो कार्बन डाइऑक्साइड्स होता है वो कहाँ से मिलता है आपको, एटमॉस्फेयर से मिलता है, ठीक है। और जो वाटर है वो कहाँ से मिलेगा आपको, रूट से, यानी कि रूट सिस्टम ऑफ सॉइल से, यानी कि मिट्टी में क्या होगा, रूट्स जब होती हैं तो वो क्या करेंगी, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, जब कंबाइंड होते हैं उसके बाद आपकी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में। इट मीन्स कि जब क्या हो रहा है, मैं इस इमेज को हटा दूँ यहाँ से, आप लोग उसमें देख रहे होंगे ना अभी, ठीक है। तो इट मीन्स कि क्या होता है, जब आप लोग कोई रिएक्शन होती है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की, वो किसके थ्रू होती है, फर्स्ट ऑफ क्या होता है कि उसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है कि नहीं। हम कहते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, मतलब हम कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है और आपका वाटर कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में आपको क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो लीफ में आपका जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो प्लांट्स के अंदर आपकी जो लीव्स होती हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, उन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, लाइट्स की वजह से इन दोनों चीज़ों को
कंबाइंड करते हैं, फर्दर आपकी क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, मतलब प्लांट में क्या होता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती है। उस फोटोसिंथेसिस के बाद फर्दर क्या होता है, वहाँ से आपको ये क्या होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इतना सुने, वहाँ से आपको क्या मिलता है ग्लूकोज, इट मीन्स शुगर मिल जाता है। प्लांट्स में आपको मैंने बताया था प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या लिपिड्स हो गए, ये सारे आपके क्या होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, जो कि थेरापेटिक एक्टिविटी शो नहीं करते हैं बट सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए या उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको क्या मिलता है ग्लूकोज मिल जाता है। फर्दर क्या होता है, जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है तो जो प्लांट होता है आपका उसका ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। मैंने नीचे लिखा है ना ग्लाइकोलाइसिस प्लस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो फर्दर जब ग्लूकोज का क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, इट मीन्स कि वहाँ से क्या होगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो फर्दर क्या करेगा डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट को फॉलो करता है, यानी कि वहाँ से आपके डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं। अब वो इंटरमीडिएट्स क्या हैं आपके, मैंने आपको रिएक्शंस के तौर पे भी फ़ोटोज़ भेजी हैं जिसमें आपका ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शन बताई है, ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, फर्दर आपका क्या होता है ग्लाइकोलडिहाइड 3-फॉस्फेट, फर्दर आपका 3-फॉस्फोग्लाइसराइक एसिड, ये सारे आपके क्या है इंटरमीडिएट है। इसके बाद आपको लास्ट में क्या मिलता है फॉस्फो फिनॉल पाइरोफॉस्फेट। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको थ्योरी के तौर में समझा रखा है इसलिए यहाँ पे छोटा सा फ्लो चार्ट है। अगर आपको इसकी जो सिंथेसिस है ज़्यादा फॉर्म में चाहिए तो मैंने आपको फर्दर जो 3 इमेजेस भेजी हुई हैं वहाँ पे आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना, तो आपका जब क्या होता है प्लांट्स में जब ग्लूकोज का क्या होता है ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से फर्दर हाँ वैसे वो सब एक ही हैं। मैंने देखो जो अभी आपको यहाँ पे पहला वाला बताया है ये आपको शॉर्ट फॉर्म है, इट मीन्स कि जब अगर आपके पास एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सिंपल से बताओ कि मतलब 4 नंबर में होगा या कुछ होगा, तो अगर आपके पास ये आता है बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे किसे कहते हैं तो उस केस में आप ये वाला फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, अगर वो ज़्यादा मार्क्स में आता है तो उस केस में आप क्या करोगे, जो मैंने आपको रिएक्शंस वाला भेजा फर्दर सारे के सारे इंटरमीडिएट सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं ना वहाँ पे, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो अभी तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझा रही हूँ, थ्योरी वाला पोर्शन है आप इसी में देख लो अभी। ठीक है, तो आपका जब क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है इट मीन्स जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फर्दर बीच में बहुत सारे क्या बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं तो उनके बाद आपको लास्ट में क्या मिलेगा फॉस्फो फिनॉइल पाइरुवेट, ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद में। ठीक है, तो जो आपका ये हो गया फर्दर आपका ये कन्वर्ट हो रहा है पाइरुवेट में, फर्दर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में एसिटाइल कोएंजाइम ए में, फर्दर आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है आपका टीसीए साइकिल, इट मीन्स ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो ये पाथवेज बीच में क्या हो रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं ये सारे क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर ये पाथवेज होते हैं, जो कि क्या करते हैं जो प्लांट्स में जितने भी पाथवेज हो रहे हैं ये क्या करेंगे या तो ये एंजाइम्स को डेवलप करते हैं, दूसरा ये क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट आपके जो इंटरमीडिएट्स डेवलप्ड हो रहे हैं ये फर्दर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की क्या करते हैं अंदर सिंथेसिस करते हैं, इट मीन्स जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या आपका क्या बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स हो गए स्टार्च हो गया जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, इनकी सिंथेसिस करते हैं, ये चीज़ समझे। सबसे पहले क्या होगा आपका फोटोसिंथेसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसके थ्रू वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का जब कॉम्बिनेशन होता है, फर्दर आपकी क्या होगी वहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस होता है, फर्दर फोटोसिंथेसिस होने के बाद में क्या होता है वहाँ से आपका शुगर बनता है इट मीन्स ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के बाद क्या होगा दो भागों में कन्वर्ट कर रखा है इसको, एक होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस दूसरा होता है आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, ये आपने शायद सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा आप लोगों ने ये। हाँ ठीक है, तो वहीं से आप
अगर आपको पूरी सिंथेसिस देखनी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, वरना मैंने आप लोगों को ये भेजा हुआ है, आप इसमें भी देख सकते हो। ठीक है, फर्दर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। इतने से 4 नंबर में काम चल जाएगा, 8 नंबर में आया है, 16 नंबर में आया है, तो वो पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर जो ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, जब इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा, इट मीन्स जो क्या है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, जब उसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो फर्दर ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, जो आपके मेटाबोलाइट्स बताए मैंने अभी आपको। ठीक है, जो बीज का पोर्शन है, जैसे कि आपका बी सी डी ई जो भी है, तो ये क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनाते हैं बीच में आकर के, और लास्ट में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद में, वो कौन सा मिलता है आपको, फॉस्फोफिनॉइल पाइरोफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद ये फर्दर कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, आपका पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। पाइरुवेट के बाद में फर्दर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद में फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में कन्वर्ट हो रहा है। और यही क्या करता है, जो आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लांट्स में, जो कि ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरा फर्दर जो आपकी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होती है उनकी सिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन्हीं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से फर्दर क्या होती है, आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस होती है। इट मीन्स जब क्या होगा, जब इनकी सिंथेसिस हो जाती है, तो यहाँ से फर्दर आपको क्या मिलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जब एसिटाइल कोएंजाइम जब कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ट्राई कार्बोक्सिल एंजाइम में, या फिर एसिड साइकिल में, तो ये क्या करता है, जो इंटरमीडिएट्स होता है ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स की क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, जो कि आपके क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। मैंने इसमें आपको आगे लिखा रखा ना, एमिनो एसिड्स में आपके प्रोटीन्स एंड एल्कलॉइड्स आ गए। एल्कलॉइड्स क्या होता है, आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है कि नहीं। एल्कलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, टैनिन्स हो गए, ये सारे आपके क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए। इट मीन्स कि जो आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की डेरिवेटिव्स होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही आपके क्या बनेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। फर्दर दूसरा आपका आता है शुगर से, कहाँ पे आया, ऊपर देखो कार्बोहाइड्रेट्स लिखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो फर्दर क्या होता है, शुगर से जब क्या हो गए, फर्दर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जो कि आपके क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हो गए, या फिर आपके क्या हो गए, सेलुलोज हो गए। पॉलीसेकेराइड्स में आपका स्टार्च हो जाता है, ठीक है, जो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ये क्या करेंगे, प्लांट्स में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ही आपका क्या आ जाएगा, सेलुलोज आ गया, दूसरा आपका न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात हो रही है। फर्दर यहाँ से मैंने बता रखा आप लोगों को क्या है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइड, यानी कि आपका जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो आपका क्या है, टी सी ए साइकिल है, वहाँ से आपको क्या मिला, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एल्केलॉइड्स, नीचे लिखा है ना। ऊपर फर्दर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फर्दर वहाँ से किसकी सिंथेसिस हो रही है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ग्लाइकोसाइड्स की सिंथेसिस हो रही है, जिसमें कि आपके क्या होते हैं, शुगर और नॉन शुगर दो मॉइटी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस सर, नो, मैंने ये बताया, जहाँ पे आपने देखो, आपके पास आपने इमेज खोली हुई है ना, फर्स्ट मैंने जो आपको स्टेप बताया, जिसमें कि आपका लास्ट में टी सी ए साइकिल है, वहाँ से आपकी फर्दर क्या हो गई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस हो गई। इट मीन्स कि वहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एल्केलॉइड्स मिल रहा है, ठीक है। शुरू कहाँ से किया था हमने, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से शुरू किया था, यानी कि प्लांट में जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस होती है, फर्दर उसी से आगे आपकी क्या होती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की भी सिंथेसिस होती है। इट मीन्स कि जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। तो जो आपका टी सी ए साइकिल है, वहाँ से फर्दर आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन सा मिला, एल्केलॉइड। इट मीन्स कि क्या होते हैं, जब टी सी ए साइकिल में जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं फर्दर, अभी अगर आप टी सी ए साइकिल तक छोड़ दोगे, तो इट मीन्स वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन वो किसका अभी,
प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, ठीक है। अब अगर फर्दर वहाँ से भी आपके इंटरमीडिएट्स जुड़ने शुरू हो जाएंगे तो वो चीज़ क्या करेगी आपकी, वो आपका रिएक्टेंट हो गया किसके लिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए, ठीक है। अगर टीसी आपका रिएक्टेंट है, फर्दर बीच में आपके बहुत सारे इंटरमीडिएट्स की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, जो कि क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है। इट मीन्स कि जो बीच के इंटरमीडिएट्स होते हैं जिनके थ्रू आपको क्या मिल रहा है, लास्ट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल रहा है, जो कि क्या कर रहा है, एक्टिव थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो कर रहा है। इतना समझे? हाँ, देखो एलिफेटिक एमिनो एसिड्स बताए हैं मैंने, उसके बाद आपको प्रोटीन और एल्कलॉइड बताया, आपको बताया है कि जो आपके क्या होते हैं एल्कलॉइड्स होते हैं उसमें आपके एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा ट्रियो एल्कलॉइड, प्रोटो एल्कलॉइड, स्यूडो एल्कलॉइड्स, इनमें भी लिखाया है ना। तो यहाँ से आपको फर्दर क्या होती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस होनी शुरू होती है। इट मीन्स कि जो प्राइमरी आपके जो प्रोडक्ट्स थे जिन्होंने क्या क्या प्लांट में सिंथेसिस करी, उन्हीं से आपको फर्दर क्या मिल जाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि आपके क्या है, एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स हो गए, टर्पिनॉइड्स हो गए, ये सारे आपके क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि क्या करते हैं, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करते हैं। जी हाँ हाँ ठीक है। अब फिर मैंने बात करी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की, इट मीन्स कि जब शुगर क्या करता है, फर्दर डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करेगा, तो वहाँ से आपको पॉलीसेकेराइड्स मिल जाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में आपको जैसे स्टार्च हो गया, ठीक है, स्टार्च क्या करता है, स्टोरेज फ्रॉम द ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज को स्टोर करता है, ठीक है, यानी कि यूटिलाइजेशन करता है उसका फर्दर सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। और साथ साथ आपके इसमें क्या हो गया, सेलुलोज हो गया या न्यूक्लिक एसिड हो गया, सारे आपके क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स से क्या होता है, फर्दर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस होती है, जो कि आपका कौन सा बता रखा आगे, ग्लाइकोसाइड्स बताया है ना, वहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स लिखा है, उसके नीचे शुगर डेरिवेटिव्स लिखा है ना। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और फर्दर वहाँ से आपको किसकी सिंथेसिस, यानी कि जो बीच में बहुत सारे आपके इंटरमीडिएट जब जुड़े होंगे तो वहाँ से आपको क्या मिला, ग्लाइकोसाइड्स, इट मीन्स कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि क्या हो रहा है, किसी भी थेराप्यूटिक एक्टिविटी में शो हो रहा है। ग्लाइकोसाइड्स यानी कि जैसे सेना है, सेना में क्या मिलता है आपको, सेनोसाइड्स है ना। और ग्लाइकोसाइड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, बताओ, इतनी ड्रग पढ़ी है आप लोगों ने अभी सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में, कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स पढ़े, हाँ। तो आपके ग्लाइकोसाइड कहाँ पे यूज हो रहे, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हो गए या फिर स्टेरॉइड्स वगैरह हो गए, इनमें यूज होते हैं, ये आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। फर्दर इनकी भी आगे सिंथेसिस होती है, क्योंकि आपके आपको पता है वहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोसाइड में आपके दो शुगर मॉइटी होती है, एक आपकी शुगर, एक आपकी नॉन शुगर मॉइटी होती है। फर्दर इनके भी आगे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट बन के इनकी भी आगे और रिएक्शंस बनती हैं, पर अभी यहाँ पे सिर्फ आप प्राइमरी पढ़ रहे हो तो इसलिए यहाँ पे इतने पे ही ख़त्म कर रखा है, ठीक है। दूसरा आपका आता है, आप शुगर में देखो नीचे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे लिखा है, तो फर्दर क्या होता है, ये शुगर एक तो आपने क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस का ब्रेक डाउन किया, फर्दर दूसरा किस में कन्वर्ट हुआ है, ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। वहाँ से किसकी रिएक्शन हुई आपकी, इरिथ्रो फोर फॉस्फेट की रिएक्शन हुई है, यानी कि इसमें कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बीच में क्या हुआ, लिंक्ड हुआ, जिसने कि क्या किया, पेंटोज फॉस्फेट को कन्वर्ट करके इरिथ्रोज फोर फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और यही इरिथ्रो फोर फॉस्फेट किसका इंटरमीडिएट होता है आपका, सिकमिक एसिड पाथवे, आप लोगों ने पढ़ना है अभी, सिकमिक एसिड पाथवे, एमिनो एसिड पाथवे और मैवलोनिक एसिड पाथवे, ये तीन पाथवे आप लोगों ने पढ़ने हैं अपनी यूनिट में, ठीक है ना। तो जो आपका सिकमिक एसिड पाथवे होता है,
इसके लिए जो मेन दो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, इरिथ्रो फोर फॉस्फेट और दूसरा आपका होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये जब ये दो इंटरमीडिएट आपस में कनेक्ट होते हैं तो फर्दर वहाँ से आपके और इंटरमीडिएट बन करके क्या बनाते हैं आपका, सिकमिक एसिड पाथवे बनाते हैं। अभी यहाँ पे शॉर्ट्स में है, जब इनकी मैं आपको सिंथेसिस दोबारा जब इसका बायोसिंथेसिस करवाऊँगी किसका, सिकमिक एसिड का, तो वहाँ पे इसको प्रॉपरली डिक्टेट करूँगी। ठीक है, हाँ ठीक है। फर्दर यहाँ से आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस होनी शुरू हो जाएगी, पर अभी हम प्राइमरी की बात करें तो जब प्राइमरी जब पूरे हो जाते हैं तो फर्दर वहीं से ही, मतलब वो फर्दर क्या करेगा कि इंटरमीडिएट का काम करता है, फर्दर वहाँ से आपकी क्या होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी उसी की बात हो रही है, पेंटोज फॉस्फेट। अरे बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे तो है ना, है ना, तो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे में ही तो पहले आप दोनों ही तो पढ़ोगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, कि कैसे प्राइमरी होता फर्दर कैसे आपको वहाँ से सेकेंडरी मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप पूरा हो गया आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, वहाँ से आपको क्या मिला, इरिथ्रोज फोर फॉस्फेट। ठीक है, जिसने कि फर्दर और बीच में इंटरमीडिएट आए जो कि आपके क्या बने, सिकमिक एसिड पाथवे आपका वहाँ से मिल जाएगा आपको। अब वो इंटरमीडिएट क्या है फर्दर, मैं आपको जब आपको ये वाला पाथवे कराऊंगी वहाँ से बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद आप आओगे एसिटाइल कोएंजाइम ए पे, पाइरुवेट के बाद लिखा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। फर्दर यहाँ से किसकी सिंथेसिस होती है आपकी, मेबलोनिक एसिड पाथवे की सिंथेसिस होती है, जिसको कि दो टाइप में कन्वर्ट किया है, एक आपका हो गया एसिटेट मेलोनेट पाथवे, दूसरा आपका हो गया मेबलोनिक एसिड पाथवे। यानी कि जब एसिटाइल कोएंजाइम ए तक आपका जब पाइरुवेट क्या होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फर्दर वहाँ से क्या होंगे और आपके जब इंटरमीडिएट्स जुड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जब इंटरमीडिएट्स जुड़ेंगे तो वो आपका क्या बनाएगा, वहाँ से मेबलोनिक एसिड पाथवे देगा आपको, दूसरा क्या देगा एसिटेट मेबलोनेट पाथवे। ठीक है जी, हाँ आपको जो तीन पढ़ने हैं ना वही है सारे। ठीक है, अब फर्दर क्या होता है, जो आपका मेबलोनिक एसिड पाथवे है वो आपको वहाँ से इंटरमीडिएट कर, जब उसमें जुड़ेगा कोई इंटरमीडिएट तो आपको वहाँ से मेबलोनिक एसिड मिलेगा, और वही मेबलोनिक एसिड क्या करता है फर्दर आगे और इंटरमीडिएट या फिर और एंजाइम्स जब कन्वर्ट होंगे, एटीपीज वगैरह जब जुड़ती हैं, ठीक है, ये क्या करेंगी, उसको आपने टर्पिन्स पढ़ा होगा, टर्पिनॉइड पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ से ये क्या करेगा आइसो प्रिनोइड्स की सिंथेसिस करेगा। आइसोप्रिनोइड्स इट मींस कि टर्पिनोइड्स, जो कि आपका C5H8, बताया था मैंने आप लोगों को टर्पिनोइड में, आइसोप्रिनोइड्स मोनोटर्पिनोइड्स ट्राइटर्पिनोइड्स सेस्किटर्पिनोइड्स डाइटर्पिनोइड्स, हाँ ना, क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, जहाँ आप जो टर्पिनॉइड्स है, जो टर्पिनॉइड्स की सिंथेसिस होती है वो कहाँ से होती है आपकी, मेबलोनिक एसिड पाथवे से। इट मीन्स कि जब आप क्या करोगे मेबलोनिक एसिड पाथवे पढ़ोगे तो फर्दर वहीं से आपको क्या मिलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पिनॉइड्स और स्टेरॉइड्स की वहाँ से आपकी क्या होती है सिंथेसिस होती है। ठीक है, और जो आपका सिकमिक एसिड पाथवे है वहाँ से आपको क्या होगा, जब सिकमिक पाथवे आप पढ़ोगे तो जब आपका क्या होता है फॉस्फोफिनाइल पाइरुवेट, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट जब आपस में क्या होंगे कन्वर्ट होते रहेंगे, तो आपको सिकमिक एसिड मिलता है, वही सिकमिक एसिड क्या करता है दो टाइप की रिएक्शंस फॉलो करता है, एक आपका हो गया एरोमेटिक एमिनो एसिड,
दूसरा आपका हो गया सिकमिक एसिड मेटाबोलाइट्स फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, इट मीन्स कि वहाँ से फर्दर किसकी रिएक्शन हो रही है, लिग्निन्स हो गया या फ्लेवोनॉइड्स हो गया, कॉमेरिन हो गया, टैनिन्स हो गया, इसकी रिएक्शन होगी यानी कि इनकी सिंथेसिस होगी। और एक क्या हो गया आपकी एरोमेटिक एमिनो एसिड जो कि आपके क्या हैं एल्केलॉइड्स हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा प्राइमरी मेटाबोलाइक पाथवे ऑफ कार्बन, इट मीन्स कि सबसे पहले प्लांट्स में क्या होता है फोटोसिंथेसिस होती है किसके थ्रू होगी या फिर किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किसके थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो प्लांट्स सेल्स में जो आपके क्या होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उन क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फर्दर फोटोसिंथेसिस करते हैं। उस फोटोसिंथेसिस के बाद आपको फर्दर प्लांट्स में क्या मिलता है शुगर, इट मीन्स कि ग्लाइकोलाइसिस की सिंथेसिस होती है। ठीक है, फर्दर जब आपका ग्लाइकोलाइसिस का ब्रेक डाउन हो जाता है तो वहाँ से फर्दर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो वो इंटरमीडिएट्स क्या कन्वर्ट, लास्ट में आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलेगा, फॉस्फोइनोइल पाइरूवेट मिलेगा। फर्दर जब फॉस्फोइनोइल पाइरूवेट कन्वर्ट होगा यानी कि फर्दर और जब इंटरमीडिएट जुड़ते हैं तो वो आपका चेंज होगा पाइरूवेट में, पाइरूवेट आपका फर्दर चेंज होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है जब ये क्या होगा चेंज होता है किस में, टीसीए साइकिल में, यानी कि जो एटीपीज होती है ठीक है ये क्या करेगा सेल को यूटिलाइज करता है किस चीज़ के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। और ये टीसीए साइकिल होती है ये क्या करती है बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनाती है जो कि क्या करेगी डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सिंथेसिस करेगी, जैसे कि आपके एल्केलॉइड्स है तो एल्केलॉइड्स में आपका क्या आ जाएगा मॉर्फिन आ गया, कोडीन आ गया, कैफीन आ गया, है ना, तो फर्दर इनकी सिंथेसिस करेगा आगे। दूसरा मैंने आपको बताया शुगर आने के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स, इसी में क्या होता है शुगर्स में कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं जो कि क्या होते हैं आपके स्टार्च हो गया या जैसे पॉलीसेकेराइड्स हो गए ठीक है, सेलुलोज हो गए, ये सारे आपके क्या कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। और यही कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं फर्दर आगे डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के बाद में आपको ग्लाइकोसाइड्स की सिंथेसिस कराते हैं। ठीक है, दो स्टेप हो गए। फर्दर तीसरा आता है आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो कि क्या कर रहा है कन्वर्ट हो रहा है आपका एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट में। और जब एरिथ्रो 4-फॉस्फेट और फॉस्फोइनोइल पाइरूवेट की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से आपको क्या मिलता है सिकमिक एसिड पाथवे। और यही सिकमिक एसिड पाथवे फर्दर क्या होते हैं आगे जब इसमें और इंटरमीडिएट जुड़ते हैं तो ये आपको कन्वर्ट करेगा डिफरेंट टाइप के एल्केलॉइड्स और दूसरा फ्लेवोनॉइड्स की सिंथेसिस में ये यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तीसरा आता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि क्या कर रहा है आपकी मेवलोनिक एसिड पाथवे बना रहा है, दूसरा आपका एसिटेट मेवलोनेट पाथवे दोनों चीज़ें कर रहा है। ठीक है, जो आपका मेवलोनिक पाथवे होता है वो क्या करेगा कन्वर्ट होगा आपका मेवलोनिक एसिड में और ये मेवलोनिक एसिड से फर्दर क्या होता है डिफरेंट टाइप के टर्पिनॉइड्स की सिंथेसिस होती हैं जो कि आपके क्या है आइसोप्रीन हो गया, मोनोटर्पिनॉइड्स हो गया, डाइटर्पिनॉइड्स हो गया, सेस्क्विटर्पिनॉइड्स हो गया और फर्दर इन्हीं से आपके क्या होती है आगे स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस होती है जो कि आपके क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाथवे। इतना समझे, श्योर बता दो नहीं तो मैं दोबारा से बता दूंगी, फिर बाद में ये मत कहना कि मैम